सिद्धार्थनगर भाजपा जिला कार्यालय पर खालिक रहमान की अध्यक्षता में वोटर चेतना महाभियान की बैठक संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा नसरुद्दीन अंसारी रहे। विशिष्ट अतिथि अफरोज आलम रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी गण एवं भाजपा कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। नसरुद्दीन अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों को अपना हक मिल रहा है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने योगी मोदी की जमकर तारीफ की। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। देखिए, उद्देश्य तो जो आपका है वही हमारा भी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है जिसको मनाया जाता है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ आप हैं, आपको क्या इसके बारे में समझाना। वोटर चेतना महाअभियान, जो वोटर है आपका भी दायित्व तो है उनकी चेतना को जगाना, और वही हमारा भी है। हम जो ये महाअभियान चला रहे हैं वोटर चेतना का, इसमें जो हमारे वोटर हैं, जो हिंदुस्तान के वोटर हैं, जो मतदाता हैं नियमानुसार जिनकी उम्र हो गई है वोट डालने का, हम उनको जागरूक कर रहे हैं। ऐसे लोगों का वोट बढ़वा रहे हैं कि जो अभी या तो पहली बार वोट देने के लिए उनकी पहली पारी है, या हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको वोट देने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना नाम अंकित नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और उनका नाम वोट में बढ़वा रहे हैं। और जो फालतू लोग हैं जिनका कई कई जगह नाम है और वो मिसयूज करते हैं, उनके नाम को हम निर्वाचन आयोग में जाकर के कटवाने का काम। सर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कितनी संख्या में मुस्लिम जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ? देखिए, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, 2018 में बीजेपी ने मुझे बनाया। 2018 के बाद ये मेरी दूसरी कार्यकाल है, 2021 में फिर पुनः मुझे बनाया गया, तो मैं गोरखपुर क्षेत्र के बारे में जानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रहे हैं, और आजमगढ़ जैसे संवेदनशील जो एरिए हैं हमारे वहाँ, मऊ ऐसे संवेदनशील हमारे यहाँ एरिए हैं, वहाँ भी आज मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पिछले वोट पड़े हैं उन इलेक्शनों में, उन चुनाव में 30% 15-20-30% तक मतदाताओं ने वोट दिया है, और जुड़ने के लिए तो आज हर व्यक्ति ललायत है कि आज हम मोदी जी की योजनाओं को, योगी जी की योजनाओं को उनका लाभ लेने के बाद वो हमसे जुड़ करके अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, और बड़ा खुशी खुशी हमारे साथ